छोड़ो मेरा। बता दो सबको कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। पता नहीं किस किस से चक्कर चलाया हुआ है। अरे बहुत बद किरदार औरत है ये। मुझ पे उल्टे सीधे इल्जामात लगाना बंद कर दे। और मुझसे कहा ना, जान से मार दूंगा यहाँ पे तुझे मैं। किस रिश्ते से हो यार ये? तुम्हें क्या लगता है तुम इस हवेली की चार दीवारी में कुछ भी करोगी और हमें पता नहीं चलेगा? वो तन जाने जिस तन पे लगे वो दिल। मेरी अदालत में मानुमा कभी मुजरिम नहीं ठहर सकती। फिटे मुंह तेरी मोहब्बत। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो खून की होली खेली जाएगी। अब कोई रिश्ता जुड़ा नहीं रहेगा क्योंकि बेबे उजड़ चुकी है। पूरा यकीन है शगुफ्ता को हमारे पे शक हो गया है। वो सब कुछ दोहराना नहीं चाहती जो कुछ मैंने सुना है। आपा, आपने मेरे बेटे को आतिर को पैसे के लालच में अगवा करवाया। जो कुछ आपने तजीला के साथ किया ना, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा उस सबके लिए। आपने हमारी सारी बातें सुनी। आपका जिंदा रहना हम सब के लिए बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ मामा को, कैसी मेरी मामा? I'm sorry, हम उन्हें नहीं बता। जब किनारे के करीब पहुंचकर कश्ती डोलने लगे तो इंसान की समझ में नहीं आता कि क्या करे। किनारे की तरफ छलांग लगा दे, कश्ती को बचाए या खुद डूबने के लिए तैयार हो जाए। फराज पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप भी है। 3 दिन रह गए हमारे निकाह में, पूरी दुनिया जानती है हमारे रिश्ते के बारे में। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? शादी के बाद बेटे चले ही जाते हैं ना, मैं भी सोच लेती कि ना लायक है ना अनजान बीवी की बातों में आगे चला गए। अच्छी औलाद माँ बाप की फरमा बरदारी करती है। ये सब इसलिए हो रहा है, सब कुछ इसलिए हो रहा है कि दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा खड़ा है, इसलिए तुम बहस पे बहस कर रही हो। खाली हाथ आई थी, खाली हाथ होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने।